ये सारे बॉयज को हमने स्विमिंग का जुनून डाल दिया है। अबे रुक जाओ, स्विमिंग रेसिंग हो रही है, साइड में जाओ, साइड में जाओ। ये फैसल भाई मार, स्पीड अप, स्पीड अप बॉयज, स्पीड अप। समझो भाई, अरे नंगा पुंगा, आजा 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 भाई। स्विमिंग करने के लिए आ गया हूँ और अभी मैंने काफी दिन से वर्कआउट वगैरह कुछ भी नहीं किया और स्विमिंग करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मुश्कात भाई। मुश्कात भाई भी मौजूद है, मैं भी। मुश्कात भाई तो प्रो चैंपियन है, मुझसे पहले मुश्कात भाई को आ चुकी थी स्विमिंग। तुम्हें स्विमिंग आती है? मुझे स्विमिंग आती है, बहुत अच्छी आती है, मगर एक स्विमिंग वाला मतलब उल्टा होके वो जो करते हैं ना, हाँ। वो आज आप मुझे सिखाएंगे। बस ठीक, मतलब चलो। फ्रैंक फ्रैंक बाबा, फ्रैंक कर दिया। तेल पता मैंने क्यों लिया? आपने ये जो प्रैंक किया ना मेरे साथ, बड़ा गंदा सीन किया। ये तेल इसलिए लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए प्रो टिप है भाई, ये तेल जो है ना पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। अगर आप इस तेल को अपने हाथों में ऐसे लें, ऐसे, और अपनी स्किन पे लगा लेना, क्योंकि इसके अंदर होता है क्लोरीन। वो क्लोरीन आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, ना आपके बालों को ना आपकी स्किन को, अगर आपने ये तेल लगा के अगर आप पानी के अंदर जाते हैं, क्योंकि पानी और तेल मिक्स नहीं होता कभी भी। तो अगर आप लोग भी स्विमिंग कर रहे हैं तो तेल लगा के, अगर आप लोग तेल लेना चाहते हैं तो समन्स का कुकिंग ऑयल तेल को आप इस्तेमाल। प्रमोशन चल रही है। प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, तेल लगाना बड़ा जरूरी है। खोपरे का तेल हो तो बहुत। तेल लगाना कब भाई? जब आते वक्त। हाँ, अच्छा। जब आप स्विमिंग में क्लोरीन वाले पानी के अंदर नहाते वक्त। तेल के और भी तो फायदे हैं, और जगह भी लगा सकते भाई, और जगहों पे भी लगा सकते हैं, बहुत से फायदे हैं, मगर मैं ये वाला फायदा बता रहा हूँ। अच्छा, ये सही है। अब स्विमिंग करके दिखाओ, एक स्विमिंग करके दिखाओ। चल चल, वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, पूरा छप छप हो गया है। कैसा दिया? जबरदस्त। अब आपको भी करके दिखानी है? हाँ, मैं करता हूँ। धक्का नहीं देना मुझे। मैं नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ। वैसे फाज, तुम्हारे साथ सीन कैसा किया? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, और अभी जब आप पानी के अंदर आएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। काफी ऊंचा पानी है आज, पता है? अच्छा आज, अच्छा अगर मैं पानी में आऊंगा तो तुम मुझे बताओगे क्या करोगे मेरे साथ? बचाओगे? बताओगे मतलब बताऊंगा। हालत खराब हो गई भाई। मैं कहता हूँ स्विमिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते ना, सबसे बाप एक्सरसाइज यही है। और एक बात बताऊँ, स्विमिंग का सुन्नत भी है। स्विमिंग करने मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा करते थे स्विमिंग, घुड़सवारी, स्विमिंग, तीरंदाजी, ये सारी चीज़ें एक मुसलमान को तो आनी ही चाहिए, और हम मुसलमान हैं। और मैं कहता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कोई बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें बताई हैं ना, अगर आप स्विमिंग करते ना, इससे इतने बेनिफिट्स हैं ना बॉडी के लिए। सोच है आपकी, आपको भूख लगती है, आपकी ग्रोथिंग होती है। जो बच्चे का, जिन बच्चों को हाइट वगैरह नहीं बढ़ी ना, तो वो स्विमिंग करें, मैं कहता हूँ हाइट भी बढ़ेगी उनकी। और इसमें देखें, एक एक मसल आपका कोऑर्डिनेट हो रहा है स्विमिंग की वजह से। आपके हर मसल में, आपके आर्म्स में, आपके शोल्डर्स में, आपके चेस्ट में, आपके लेग्स में, विंग्स में, एक एक मसल आपका कोऑर्डिनेशन मतलब एक एक मसल आपका कोऑर्डिनेशन में आ रहा है। तो स्विमिंग करें, स्विमिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। अच्छा, उसके अलावा एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अभी देखें, इस पूल में सिर्फ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है कोई भी? क्योंकि सारे लौंडे हमारे वहाँ पे हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए ना कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़, मतलब मेरी कोशिश होती है यार, मैं अपनी ऑडियंस के साथ ना इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर करूं, और जितनी कोशिश रहती है, मैं कोशिश करता हूं यार, जितनी चीज़ मुझे आती है ना, तो मेरे ज़रिए से अगर आप तक डिलीवर हो जाए, तो मैं कहता हूं ज़िंदगी इसी का नाम है। तो अब थोड़ी बहुत हम स्विमिंग की टिप्स जान लेते हैं। देखें, स्विमिंग में अगर आप अपर ऊपर वाली स्विम, सबसे पहले तो आपको अपनी सांस के अंदर ना पावर होनी चाहिए, आपकी सांस में दम होना चाहिए, कि आपको अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए। और सबसे पहली बात, अगर आप घबराते हैं पानी के अंदर जाने से, तो उनके लिए खतरे वाली बात है, क्योंकि पानी के अंदर जाने से ना, देखें, हर चीज़ जब आप सीख रहे होते हैं ना, तो उस चीज़ को दोस्त बनाना पड़ता है। तो अगर आप किसी के साथ घुलना है, मिलना है, तो उसको सबसे पहले मतलब आदत डालनी पड़ती है उस चीज़ के अंदर घुसने के लिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो कहने का मकसद ये है कि इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप लोग ये करते हैं, बहुत ही कोई बेनिफिट वाली चीज़। स्विमिंग करते वक्त अगर आप लोग घबरा गए, अगर आपके नाक में पानी चला गया या मुंह के हलक के अंदर पानी चला गया, अगर आप लोग घबरा गए किसी भी चीज़ से, तो मैं कहता हूँ स्विमिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपको स्विमिंग करनी है ना, तो अपना दिल को मजबूत करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होता है।
अब सबसे पहले तो भाई आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, आराम आराम से करते 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 आहिस्ता आहिस्ता आता है। मैंने भी स्विमिंग कोई स्विमिंग पूल में नहीं सीखी, मैंने भी सीखी है नहर में, हब डैम। मैं कभी जाऊंगा वहां पे तो आपके लिए वो भी दिखाऊंगा कि मैं हब डैम में किस तरीके से स्विमिंग करता था। हब डैम का जो पानी था वो होता था मतलब स्टेबल नहीं होता था, वो चलता हुआ पानी होता था। स्विमिंग पूल में क्या होता है, वो होता है चलता हुआ पानी, तो उसमें क्या होता है थोड़ी मुश्किल होती है स्विमिंग करने में। मगर एक दफ़ा आपको अगर स्विमिंग करने आ गई तो फिर आप बड़े मज़े से बहुत ही कोई आसानी से कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, आपको घबराना नहीं है स्विमिंग का। अंडर वाटर करना थोड़ा सा मुश्किल है बनिस्बत बाहर वाली स्विमिंग। ये वाली जो स्विमिंग होती है ये देखें, एक दफ़ा करके देखा, ये वाली स्विमिंग आसान है। अच्छा, इस वाली स्विमिंग करने के लिए ना इतनी कोई ज़्यादा फिजिक आपको लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी सा फंडा है। देखें करना क्या है आपको, अपने दोनों हाथों को ना ऐसे रख लें सामने की तरफ, ये दोनों हाथ, और अपने टांगों को चलाना है दोनों टांगों को, और मूवमेंट भी करनी है बॉडी की। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ रखना है, अगर ये सीढ़ी सीढ़ी मौजूद है यहाँ पे, जैसे ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी को पकड़ लें और एक हाथ दो पैर। देखें आप लोग इस पोजीशन में स्विमिंग पूल के अंदर होंगे और अपने हाथों को इस तरीके से चलाना है, ये बॉडी को मूव करना है और हाथों को चलाना है, ये एकदम। मैं रोड पे आके दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये पैर और ये मूवमेंट, ये इस तरीके से आपको ये वाली मूवमेंट करनी। अब आप जरा ये देखें, भाई स्विमिंग तो बहुत अलग अलग तरीके की होती है, मगर मैं आपको एक स्विमिंग करके दिखाता हूँ। मतलब ये मैंने इन्वेंट की थी, मुझे ऐसा लगता है इसका नाम मैंने दिया था टाइगर स्विमिंग टाइप ना, मतलब जैसे बच्चे यूं करते ना ऐसे ऐसे, मैं वैसे करके दिखाता हूँ। अभी मैं पानी में आ गया, ये देखें आपसे बातें भी कर रहा हूँ और स्विमिंग भी कर रहा हूँ। कहीं से निकला बाबू? हाँ माधु भाई, अरे नंगा पुंगा, आजा आजा आजा। अबे मुझको भी क्या कर रहे, वो कहाँ गया, मैयत तो नहीं हो गई? मर गया, चप्पल भी मारी थी आपने, मर गया इंतकाल। माधु भाई पैर तो ऊपर चलाओ, स्विमिंग गलत कर रहे हो आप, स्विमिंग गलत। मुझका भी आप भी आए ना, आप भी आए ना, अच्छा आ जाए चलो चलो, वन उल्टी वाली स्विमिंग है, 1 2 3 क्यू। ये माशाल्लाह, ये बॉय, ये बॉय। ये वाली स्विमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, मगर अभी इंशाल्लाह ये भी सीख जाऊंगा। अबे 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 पानी मार रहा है। शाबा माधु भाई, गुड हो गया। टेम्परेचर का मसला नहीं होता पानी में, आप ऐसी कूद जाओ, मगर जब स्विमिंग करके जब आप बाहर निकलो ना हवा में चले जाते हैं, वो खतरनाक होता है। अरे लौंडे आ चुके हैं, फुल तफरियां चल रही हैं यहाँ पे। ये हमारे फैसल भाई, ये बावले, ये सब आ चुके हैं। ओए ओए कर रहे हैं, पता नहीं पागल हो गए, पानी जिंदगी में पहली बार देखा है शायद। उस तरफ सारा गहरा पानी, उस तरफ ज़रा गहरा पानी। एक टिप एक और आपको दूंगा, पानी मतलब जब आप पानी में स्विमिंग करके या स्विमिंग नहीं भी करके ना, आप फौरन खुले में हवा में ना जाया करें, थोड़ा बहुत पानी सुखाया करें उसी वक्त। क्या हो गया, स्विमिंग अभी मुश्किल भी आ रहे हैं, आप भी आओ ना सोनू भाई। आ रहा हूँ, आ जाओ भाई साहब। ये तो स्कॉर्पियो है बिच्छू, ये तो इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा है। अबे इतने बड़े बड़े हो गए, इतने से बिच्छू से डर रहे हो बेटा? तुम घुस जाओ ना, जो बिल्डर बने हुए हो। आए स्विमिंग सिखा रहे हैं फैसल भाई, फैसल भाई स्विमिंग, सारे उल्टे हो गए। अबे आती है फैसल भाई को भी यार, अबे सिर्फ तेरे अलावा सबको आती है, ये देख ये देख, मुझे वैसे सारी आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह या मरहबा या मर, ले तुम अबे मुस्कान भी मोबाइल हाथ में, अबे मुस्कान भी मोबाइल हाथ में।
वैसे मुश्किल भी एक बात कहूंगा, हाँ अच्छा स्विमिंग की प्रैक्टिस, ये कौन किसका बच्चा खो गया, पानी जा रहा कान में। अबे नहीं 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 ये नहीं ये नहीं। वैसे मुश्किल भी एक बात कहूंगा, आप मुझे इतनी अच्छी स्विमिंग आती नहीं थी, पहले आपको स्विमिंग आती थी करने के लिए, मतलब आपने मुझे थोड़ी बहुत अच्छी सिखा दी, वैसे तो मैंने खुद सीखी स्विमिंग, लेकिन उल्टी वाली अभी तक क्यों नहीं आई, उल्टी वाली नहीं आई, उल्टी वाली पता क्या करना है मैं बता दूं, अपने आपको ढीला छोड़ना है, पहले सीधी वाली तो सीख लें लो। हाँ यार तुम लोग तफरिया ना करो, स्विमिंग अभी नहीं करना, हाँ ये देखो अपने आपको ढीला छोड़ो, पानी के हवाले, सही है माशाल्लाह सही है, जल्दी मजा आता है, मजा आता है। हाँ ये वाली स्विमिंग मुझे ऐसा लगता है, कान के अंदर पानी, कान के अंदर दुनिया जहाँ की आवाज नहीं आती, इतना सुकून मिलता है ना, क्योंकि सांस भी नहीं रुक रहा होता आपका, नाक भी ऊपर है और कान अंदर है, सुकून मिलता है यार बहुत ज्यादा। एक दफा मैं करके देखूं, करके देखो, चलो अपने आपको ढीला छोड़ो, ढीला बिल्कुल ढीला छोड़ो, हाँ पानी के हवाले कर दो, सही है सही है, पानी से डरो नहीं, हाथ ऊपर रखो, हाथ ऊपर, ये बात ये बात ये बात, शाबाश 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 शाबाश, अरे वाह बेटा मौज कर दी, क्या लग रहा है कुत्ता पानी में तैर रहा है, मेरी वीडियो है मैं ही काट सकता हूँ भाई, आ गई तुम्हें भाई, देखो सीधी वाली मैंने सिखाई थी तुम्हें, उल्टी वाली मैंने नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस कर दो सीधी वाली तुम्हें ना ऐसे पकड़ पकड़ के सिखाई थी, याद नहीं है तुम्हें, ग्रीनलैंड के अंदर मैंने स्विमिंग नहर में सीखी है। अच्छा अबे नहर में तो कोई भी स्विमिंग कर लेता है, वो तो पानी जा रहा होता है ना, जा रहा होता है ना, तो उसमें जरा आसानी होती है, देखो बात सुन, बहुत सारी तरीके की होती है, एक तो नॉर्मल स्विमिंग होती है वही वाली, सही है ये वाली स्विमिंग है, नॉर्मल है ये, आसान है, उल्टी वाली में आपको अपने आपको हवाले करना है पानी के, ना पानी को दोस्त बनाना है, दोस्त बना देना, और एक होती है अंडर वाटर स्विमिंग, सही है पानी के अंदर की, अंडर वाटर वैसे मुझे ज्यादा अच्छी आती है आपसे, ये 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 बॉय माशाल्लाह, अबे क्या अबे इस पाद को निकालो यहाँ से, चल निकल नंगा साला, लोग पाद मारते हैं तो मुझे खुद पाद लग रहा है। आपको मैं अंडर वाटर स्विमिंग करके दिखाता हूँ, ये लोग बड़ी तफरियां कर रहे हैं, मैं आपको सिखा भी रहा हूँ अंडर वाटर स्विमिंग, देखें कैसे ऐसे हाथ रखा ये, और ये भैया पानी देखे इसके हाथ में तफरी करता हूँ अंदर, मिशन कंप्लीट, मिशन कंप्लीट, अबे अबे कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है यार, तुम लोग ना नहीं करने दोगे मुझे लगता है कुछ, चल तुम लोग मुझे कुछ नहीं करने दोगे, अबे स्विमिंग की वीडियो कर रहे हैं, स्विमिंग कैसे कराते हैं, अजीब अजीब हरकतें होती हैं, अबे उधर क्या चल रहा है भाई, अभी तो हम गए थे पानी के अंदर, हमने सलाम दुआ भी किए, बाकायदा बात किए ना, हाँ। करके दिखाएं, करके दिखाएं, ये देखो सलाम दुआ करेंगे, अबे सलाम दुआ ये पंडे हो रहे हैं, पानी के अंदर बंदा सब कुछ कर सकता है, मोहब्बत भी कर सकता है, सलाम दुआ भी कर सकता है, बहुत सारी। अभी हम लोग क्या करने गए थे, अभी हमने सिर्फ सलाम दुआ किया, की बात है कुछ और ही दिख रहा था, अभी हम करने वाले हैं बैक फ्लिप, और सारा कमाल मेरा है क्योंकि मैं इसको उछाल के फेंकूंगा, अच्छा बंदे का भी कमाल होता है बेटा बैक फ्लिप मारने का, आधा आधा आधा, अबे बच्चा तो गई, क्या कर रहे हो मुश्किल भाई, क्या कर रहे हैं, पागल हो गए सारे, ये सारे बॉयज को हमने स्विमिंग का जुनून डाल दिया है, अबे रुक जाओ, स्विमिंग रेसिंग हो रही है, साइड में जाओ साइड में जाओ, ये फैसल भाई, माधु भाई और वहाँ और लौंडे, शाबा स्पीड अप स्पीड अप बॉयज स्पीड अप, माधु भाई अंडर वाटर, फैसल भाई ऊपर वाली, और वो तो पता नहीं क्या सुस्ती मारा कर रहे, अब ये लो ये दोनों ऊपर वाली हो गए, फैसल भाई फैसल भाई फैसल भाई आगे निकलो, अरे फैसल भाई, अबे माधु भाई जीत गए, अबे यार फैसल भाई सेकंड, फैसल भाई सेकंड, क्या बोलना चाहोगे आप, क्या बोलना चाहेंगे फैसल भाई, अबे अब तो भाई उम्र हो गई है आप क्या बोलना चाहोगे, अभी भी उम्र है फर्स्ट पोजीशन यार बड़ी बात है यार, सेकंड पे आए बड़ी बात है, उसका भी आप भी आए ना, आप भी रेसिंग लगाए क्या, नहीं ये मूड नहीं है, उम्र हो गई है, माशाल्लाह फैसल भाई सेकंड पोजीशन, ओ गमगीन आदमी सांड,
चलना अंदर, चलना चलना अंदर, चलो ना डायनासोर के अंडे बिच्छू वाले पानी में डाल दूंगा। दिखाऊं बिच्छू अभी? भाई आपको दिखाता हूँ, वो देखें ये सामने पड़ा बिच्छू, जिसको कहते हैं स्कॉर्पियो, शायद स्कॉर्पियो ही कहते हैं ना इसको, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो नहीं कहते इसको, फिर फाद स्कॉर्पियो नाम है। अबे वो चलना पानी में जा, क्या बड़ा आया बकवास करवा लू। अरे जिंदा लाश, जिंदा लाश, वो लाश मरने वाला हूं, वो लाश, एक लाश ये रही, एक और जिंदा लाश। भाई आपको उल्टी स्विमिंग करके दिखाते हैं, क्योंकि हम हर काम उल्टे करते हैं। चलो पूरा नहीं हो पाया भाई, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, सांस फूल जाती है बंदे की। आप करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो। मैं तो कैमरा मैन हूँ भाई, मैं वो जो ऊपर वाला है ना, जो ये वाली स्विमिंग है ऐसे जो करता हूँ, ऊपर वाली स्विमिंग इसमें मैं पूरा कवर कर लेता हूँ, क्योंकि अंदर वाटर में ना ज़्यादा स्टेमिना खर्च होता है बनिस्बत जो ऊपर वाली स्विमिंग होती है, उसमें इतना स्टेमिना खर्च नहीं होता, क्योंकि नाक से आप सांस लेते रहते हो। इसमें क्या होता है, सांस का प्रेशर, पानी का प्रेशर, सब चीज़ मिक्स हो जाता है। भाई आप लोग माने या ना माने, सीन ऐसा है कि इंसान को, मतलब एक मुसलमान को, घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी और स्विमिंग, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये लोग सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद आपको आवाज़ें आ रही हो। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए, लाजमी। ये सारी चीज़ें जिस बंदे को आती है ना, मैं कहता हूँ वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट है, समझ रहे हैं ना। फिर तो ये सारी चीज़ें सीखें आप लोग, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं ये सारी चीज़ें ना आपको सिखाऊंगा, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी। तलवारबाजी की तो शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई, इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगा, और कुल्हाड़ी की भी वीडियो बनाई हुई है, स्विमिंग की भी बना दी अभी जो आप ये देख रहे हैं, उसके अलावा घुड़सवारी की भी आपने देखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।